आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी कद्दू और आलू की सब्जी की रेसिपी को, जिसमें हम कोई भी प्याज या फिर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी को। कद्दू और आलू की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कद्दू ले लिया। कद्दू को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़े शेप में कट कर लिया और आलू को भी हम उसी शेप में कट कर लिया। सब्जियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब हम यहाँ पे एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम यहाँ पे मसाला का एक पेस्ट बना लेंगे। हम इस मसाला पेस्ट को बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई गरम कर ले। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगा हम इसमें 1/2 बड़े चम्मच करीब तेल डाल देंगे। मैं इस सब्जी को सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो अपने मन पसंद का कोई भी तेल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को स्प्रेड कर दे और थोड़ा सा गर्म कर ले। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे कद्दू। हमें यहाँ पे कद्दू डालने के बाद कद्दू को जो है थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। नमक डाल दे उसमें और नमक डालने के बाद हमें कद्दू को अच्छी तरीके से मिला देना है और कद्दू को जो है फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम में हमें कद्दू को यहाँ पे 50% तक कुक कर लेना है। आप चाहे तो कद्दू को यहाँ पे ऐसे ही पकाए, नहीं तो आप जो है कढ़ाई को ढक दे और कद्दू को थोड़ी देर के लिए पक जाने दे। बीच बीच में आप यहाँ पे कद्दू को जो है चलाते रहे, नहीं तो कद्दू जो है नीचे से चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कद्दू का कलर जो है चेंज हो चुका है और कद्दू हमारा 50% तक कुक भी हो चुका है। यहीं पर हम कद्दू को निकाल देंगे। सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच करीब सरसों के तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच 5 फोरन। गैस इंडक्शन के फ्लेम को मीडियम पे रखें और 1/2 मिनट के लिए सारी चीजों को तेल में पक जाने दे। जैसे ही खड़े मसाले थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे आलू। मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल की हूँ। आलू को हम यहाँ पे तेल में मिला देंगे अच्छी तरीके से और आलू को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाने देंगे। बीच बीच में हम यहाँ पे आलू को जो है चलाते रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कढ़ाई को ढक दे और आलू को थोड़ी देर के लिए पक जाने दे। जैसे ही आलू थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल को भी हम इसमें मिला देंगे और नारियल को थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाने देंगे। नारियल डालने से इस सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। नारियल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भिगोए हुए चने। चने को मैं जो है यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। दोनों चीजों को हम आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस इंडक्शन के फ्लेम को मीडियम पे रख के हमें जो है नारियल और चने को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही नारियल और चना थोड़ा सा भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। तो मसाले को हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। मिक्सिंग बोल में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला बचा था उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। मसाले को सारे सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भी पका लेंगे। गैस इंडक्शन की फ्लेम को आप इस प्रोसेस पर मीडियम पर रखें। आप चाहे तो यहाँ पर कढ़ाई को ढक दें और मसाले को थोड़ी देर के लिए पक जाने दे। जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। 1/4 कप से भी कम हम इसमें पानी डाल देंगे और आलू को जो है मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए पक जाने दें। हम यहाँ पे आलू को भी कद्दू के बराबर पका लेंगे। कढ़ाई को ढक दे और आलू को जो है थोड़ी देर के लिए पक जाने दें। बीच बीच में हम यहाँ पे कढ़ाई के ढक्कन को हटा के आलू को जो है चला देंगे ताकि आलू जो है नीचे से चिपके नहीं। फिर से हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और आलू को थोड़ी देर के लिए और पक जाने देंगे। जैसे ही आलू कद्दू के बराबर पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कद्दू। तो सारे कद्दू को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। कद्दू को कढ़ाई में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कद्दू और आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस इंडक्शन के फ्लेम को आप यहाँ पे जो है मीडियम पे ही रखें। स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक। ध्यान रहे कद्दू को फ्राई करते टाइम भी हम नमक का इस्तेमाल किए थे, तो नमक का इस्तेमाल आपको जो है थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा कद्दू और आलू जो है पूरी तरीके से पक जाए। कढ़ाई को हम यहाँ पे ढक देंगे और सब्जियों को पका लेंगे। तो
सब्जियां जो है यहाँ पे हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर भी बहुत ही बढ़िया है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं यहाँ पे बीच में से जीरा लगा दिया। हरी मिर्च से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। घी और हरी मिर्च को सब्जियों में अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस इंडक्शन के फ्लेम को जो है लो पे रखें। सब्जी हमारी बन गई है। इस स्टेज में हम गैस इंडक्शन के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ले चलते हैं सब्जी को सर्व करने के प्रोसेस में। इस सब्जी को हम यहाँ पे एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे। सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो आप इस सब्जी को जो है रोटी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई पूजा हो तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो सिंपल इस कद्दू और आलू की सब्जी को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इस सब्जी को खा के आपका दिल जो है खुश हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ट्राई करने के बाद ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।